हाय फ्रेंड्स, आपने कभी ये देखा कि आज सडनली आपको लगा कि आपका मूड खराब हो गया? पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ कहा कि सडनली आपको लग रहा है, पता नहीं, आई एम फीलिंग वेरी अपसेट एंड वेरी लो। आप कभी नोटिस करेंगे तो कई ऐसे इंडिविजुअल्स हमारी लाइफ में आते हैं हु आर रियली टॉक्सिक। उनके एक स्टेटमेंट आपको कैसे अपसेट कर जाती है नोइंगली और अनोइंगली कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर उस स्टेटमेंट के आसपास चल पड़ता है। आज मैं आपसे तीन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जिसमें किसी की एक स्टेटमेंट ने कैसे उसकी लाइफ में उथल पुथल ला दी। एक हमारी फ्रेंड होती थी, बहुत साल पुरानी बात है कि उनके घर में बेबी हुआ और उसको देखने कोई उसकी और फ्रेंड आई और उसने पूछा कि और आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया। उसने बोला कुछ नहीं। उसने बोला कुछ नहीं दिया, ही डजंट वैल्यू यू। फ्रेंड, सीड वाज सोन। उसके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा चला गया कि मेरा हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करता, कि उस दिन से वो हर एक्शन को अपने हस्बैंड की उसी स्टेटमेंट से असेस करती थी और धीरे धीरे घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई। अच्छा भला परिवार एक बैटल फील्ड हो गया और एक्चुअली यू वोंट बिलीव दैट उनका डिवोर्स हो गया। सो आपने देखा कि एक फ्रेंड ने एक स्टेटमेंट दी और उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ कि वो अपनी सारी लाइफ उसने चेंज कर दी। एक और ऐसा ही हुआ, ये बहुत रिसेंट बात है, कि एक कोई थे और उनको उनके फ्रेंड ने पूछा और कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल। उसने बोला उस कंपनी में। अच्छा, क्या सैलरी है? उसने बोला 18,000। 18,000? घर कैसे चलता है? अरे यार, ये तो बहुत कम है आजकल। उसने बोला हाँ यार, क्या करें। अब वो तो ये बोल के चला गया। अब उसके दिमाग में चलना शुरू हो गया कि मेरी सैलरी तो बहुत कम है। धीरे धीरे उसका काम में मन लगना बंद हो गया, बिकॉज अंदर से वो बहुत नाखुश हो गया ये सोच के कि तो बहुत ही कम है सैलरी और मेरा गुजारा नहीं हो सकता। और धीरे धीरे उसने मैनेजमेंट से डिमांड करनी शुरू कर दी और काम कम कर दिया, ऊपर से डिमांड शुरू कर दी कि मेरी सैलरी बढ़ाइए। जब मैनेजमेंट ने मना किया, उसने एक बिकॉज वो नेगेटिव तो हुआ ही हुआ था, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। और फ्रेंड्स, वो पिछले 2 महीने से बिना जॉब के है, बेरोजगार हो गया वो। सो देखा आपने, उसके फ्रेंड ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरे इससे गुजारा कैसे होता है, और उसके दिमाग में वो एक कीड़े की तरह घुस गया और उसने सारा उसको सिचुएशन को चेंज कर दिया। इसी तरह से एक कोई ओल्ड मैन थे और उनके पास एक कोई मिलने आया और उसने बोला और आपका बेटा आजकल कहाँ है? उसने बोला बेटा तो शहर में रहता है। अच्छा, वो आता है? आता है, लेकिन वो बहुत बिजी रहता है, उसका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। शेड्यूल टाइट रहता है, अपने बूढ़े बाप को वो भूल गए। उस आपने उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उसकी इतनी भी वो नहीं है कि वो आपकी केयर करे और आपके पास रहे। बस उसने तो उनका हालचाल पूछ लिया और उसके बाद वो बुजुर्ग उनके दिमाग में यही रहने लग गया कि मेरा बेटा मेरी केयर नहीं करता। जब बेटा आता भी था तो वो अंदर से उनकी सोच यही लगी रहती थी। आपने देखा एक स्टेटमेंट ने कैसे उसकी खुशी छीन ली। कहाँ उसको एक अकम्प्लिशमेंट फील होती थी कि मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सेट कर दिया, वो आता है बेचारे टाइट शेड्यूल में, जब भी उसको मौका मिलता है वो आता है। अब उसको लगने लग गया ही डजंट केयर फॉर मी। सो इस तरह के टॉक्सिक स्टेटमेंट्स और इंडिविजुअल्स को फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमने दूर रखना है। पहला तो हम जब वो कोई इस तरह की नेगेटिव बात करें, हम उसको पॉजिटिव बात में चेंज करने की कोशिश करें। और दूसरा, हम उस पर्सन को ही हम अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा, हमें एक डिटर्मिनेशन करना है कि आई विल ऑलवेज स्टे इन अ पॉजिटिव थॉट्स। इट्स अ स्ट्रगल, इट्स नॉट ईजी, बट लेट्स कॉन्शियसली मेक एफर्ट टुवर्ड्स दैट, अदरवाइज आर लाइफ विल बी हेल लाइक दीज थ्री पीपल। थैंक यू।